टेन टेन है। हाँ ठीक है। सुधा गाइस, हमने केक ले लिया है और हम केक लेके निकल गए हैं। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ज्योति उपाधे शंकर। कैसे हैं आप सब, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो गाइज, टुडे इज माई बर्थडे 21 सितंबर, और आज का व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। तो आई थॉट कि मैं आप लोगों को मॉर्निंग से लेती हुई चलती हूँ, बिकॉज डे से ही मॉर्निंग से ही मेरा ये स्केड्यूल है आज का, मतलब लाइक जो भी प्लान है, तो मैं सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे जॉब करियर, मतलब मैं 6 साल से जॉब कर रही हूँ, तो इन 6 सालों में आई थिंक आई एम श्योर, मैं आपको बता देती हूँ कि पहला ऐसा बर्थडे है मेरा कि मैं आज ऑफिस जा रही हूँ। 6 साल से अपने बर्थडे में मैं हमेशा छुट्टी करती हूँ, खूब सारा एंजॉय करती हूँ, बट इस बार जय भगवान जी, बट इस बार मैं फर्स्ट टाइम अपने बर्थडे पर ऑफिस जा रही हूँ। तो व्लॉगिंग बनता ही था, बहुत डिफरेंट। वैसे मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ अलग करूँ, तो बाय डिफॉल्ट इस बार कुछ ज्यादा ही अलग हो रहा है। सबसे पहला चेंज तो यही है कि मैं 6 साल में पहली बार ऑफिस जा रही हूँ, ठीक है। और दूसरा कि हमेशा रात में मम्मा मेरे साथ होती है, मम्मा और भाई, बट इस बार वो भी अलग हो गया कि मम्मा की नाइट ड्यूटी लग गई, और ड्यूटी लग गई बेसिकली क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे आ रहे थे वहाँ पे मेरे शहर मुरादाबाद, तो फिर इस वजह से मम्मा की ड्यूटी लग गई। कल रात बेचारी मम्मा नाइट करके आज आ रही है मेरे पास, कल रात वो मेरे साथ नहीं थी, भाई भी नहीं आ पाया मम्मा भाई, तो फिर इस वजह से हमने रात में कोई ऐसा सेलिब्रेट नहीं किया कि मैं और मेरे हबी, हम बस दो ही लोग रहते रात में घर पे, तो क्या अकेले अकेले केक काटो, अकेले अकेले खा लो। तो इस वजह से पापा मम्मी थे, बट यू नो मम्मी भी होती, सूरज भी होता, तो और ज्यादा लोग हो जाते तो और मजा आता, इसलिए फिर हम लोगों ने कल रात को सेलिब्रेट नहीं की। जस्ट मॉर्निंग में उठे हैं, फ्रेश अप वगैरह होके हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। शाम को मम्मा आएंगी, अभी ड्यूटी करके आई हैं, जस्ट घर पे वो रेस्ट कर रही हैं, वो निकलेंगी वहां से, फिर शाम को मैं भी ऑफिस से आ जाऊंगी, फिर हम लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ बाहर जाके थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे, दैट्स ऑल। बाकी ऐसा कोई हमारा बर्थडे का प्लानिंग नहीं था, क्योंकि मेरे कुछ और प्लानिंग्स हैं, बहुत ही जल्द मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, तो इस वजह से मैंने अपना बर्थडे थोड़ा पोस्टपोन कर दिया इस बार। नेक्स्ट ईयर मनाएंगे बहुत अच्छे से, फिंगर क्रॉस, और दैट्स इट। तो अभी के लिए इतना ही, अभी जाती हूँ मैं ऑफिस से आते वक्त मिलती हूँ मैं आप लोगों से दोबारा से, बाकी शाम का जो भी छोटा मोटा प्लान है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फुल डे ऑफिस में रहता है मेरा, तो आपको पता ही 9:30 to 6:30, तो डेली का वही रहता है, तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। तो हे गाइस, सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, और मैं हाफ डे में निकल गई हूँ क्योंकि मम्मा और भाई आ गए थे, तो उन्होंने मुझे पिकअप कर लिया मेरे ऑफिस से। मम्मा और शैम्पू करना था घर पे, काम था काफी, थोड़ा फ्रेश अप हो जाऊंगी, थोड़ा रेस्ट भी कर लूंगी, तो इस वजह से फिर मैं मम्मी के साथ हाफ डे में ही निकला। मम्मी बोली हम आ रहे हैं, तो फिर हाफ डे में आ जाते हैं, तो क्या घर पहुंच के थोड़ा रेस्ट करते हैं और बाकी शाम को लेट्स सी। ओके गाइस, हे गाइस, तो अब मैं शाम की चाय पी रही हूँ, कूल का समोसे मम्मी लाई थी। अब अभी जाए तैयार होने, ये ड्रेस लिया है मैंने, ये मेरे बर्थडे ड्रेस ये पहनूंगी मैं, मेकअप ज्यादा नहीं कर रही हूँ,
क्योंकि कोई फायदा नहीं है, बस हम चार ही लोग जा रहे हैं। पापा मम्मी को बोला, लेकिन मम्मी पापा बाहर का खाते नहीं है ना, तो इसलिए पापा मम्मी को लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पापा मम्मी घर का ही खाते हैं, घर के बाहर का उन्हें खाने मिलता है, प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ होता है बाहर इस वजह से। तो पापा मम्मी घर पे ही रहेंगे, बस मैं, मेरी मम्मी, भाई और हबी, हम चार लोग जा रहे हैं। चाय पी लूं, रेडी हो जाओ, फिर मिलती हूँ। टेन टेन सो गाइस, यार जब भी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ मुझे खांसी क्यों आ जाती है। तो बर्थडे गर्ल एकदम बिल्कुल रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं लिपस्टिक, आई जस्ट लव द शेड, परफेक्ट। ये मैंने मंगाई है पर्पल से, पर्पल का पैप टॉक समथिंग लाइक दिस। भाई मेरा पर्स दिया, ये वाला इसमें पड़ी हुई, दिखा देती हूँ। मैं ये वाला पर्स लेके जा रही हूँ आज, ये मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगाया था, हो गए एक दो साल। और मैं अपना लिपस्टिक लगा देती हूँ, मुझे पता है आप लोग कॉमेंट करने वाले हो, क्योंकि मुझे खुद से इतना पसंद आ रहा है, तो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो ये पर्पल का मिनी लिपस्टिक है, दिस वन, सो ब्यूटीफुल, एंड इट्स नेम माई फर्स्ट पेपटॉक 15, ये इसका शेड नंबर है, माई फर्स्ट पेपटॉक 15। तो अगर आप चाहो तो पर्पल से मंगा सकते हैं, मैंने पर्पल से लिया है। मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, मेरी मम्मा रेडी हो गई, मेरा भाई रेडी हो गया है, बस मेरे हबी रेडी हो गए, आप देख सकते हैं। इनके रेडी होते ही बस हम लोग निकल लेंगे। हेयर स्टाइल की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे एक, ये देखो आप, छोटी हुई है यहाँ पे, ये कुछ ऐसे, और यहाँ पे मैंने स्टार वाला ये लगाया है, ये अपन, और ये इयर रिंग्स मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोर से मंगाए थे, आभूषण स्टोर करके, तो वहाँ के हैं। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, और हाथ में मैंने थोड़ा सा सूरा पहना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, कुछ मैंने पंजाबी लुक रखाया है आज का फुल, जो मेरा गेटअप होने वाला है, और बहुत ही लाइट मेकअप किया, बहुत ही ज़्यादा लाइट, लाइक नथिंग, बहुत ही लाइट पर्पल मैंने आईज पे मेकअप किया हुआ है। और मेकअप ट्यूटोरियल शूट नहीं किया क्योंकि मैंने मेकअप कुछ किया ही नहीं, नॉर्मल जस्ट आई शेडो लगाया है, दैट्स इट। मम्मी आओ तो मैं दिखाऊं, तो गाइस ये मम्मा रेडी हुई है, मम्मा ने पहना है स्कर्ट और कुर्ती, ये ड्रेस और ये ड्रेस दोनों है मीशो से, दोनों ड्रेसेस मैंने मीशो से मंगाई हैं। मम्मा कैसी लगी? अभी बेल्ट तो पहनो। चलो गाइस मैं फटाफट से इंस्टाग्राम की रील्स बना लेती हूँ, वरना फिर लेट हो जाऊंगी। ओके पहुंचती हूँ, निकलते हैं, फिर मिलते हैं। हे गाइस, यार बहुत बहुत नीचे आना पड़ेगा यार। हाँ ठीक है, सो गाइस अभी हम लोग आ गए थे केक लेने के लिए, केक लेके यहाँ से निकल रहे हैं जस्ट, आगे का व्लॉग में आगे स्टार्ट करती हूँ। जो हाँ फोन से पेमेंट करना है। सुधा गाइस हमने केक ले लिया है और हम केक लेके निकल गए हैं। वो उनका कुछ और पेमेंट चल रहा था ना। हे गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे भी हमें आना था, इट्स गूंज।
सब अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने गूंज पे आए हैं एंड हावी आर मेरा मैचिंग मैचिंग तो बर्थडे मन गया मेरा हो गई बर्थडे पार्टी डन। अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। बज रहे हैं रात के 10:15
10:15 बज रहे हैं अभी और एकदम परफेक्ट टाइम पे हम लोग का बर्थडे सेलिब्रेशन एकदम फिनिश हो गया। और अब हम लोग घर पहुंच के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हबी का बर्थडे सरप्राइज जो उन्होंने मेरे को किया है, तो आगे व्लॉग में आप देखोगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड गेट रेडी, घर पहुंच के मिलती हूँ गाइस। यहाँ से बुलहापीट से सीधे जो रोड जा रहा है, हाँ, आने वाले समय में सीधे हम लोग अपने घर पहुंचेंगे इसी रोड से। बोल बन रहा है ना यहाँ पे अंडर पास। हे गाइस, सो हम घर पे आ गए हैं और घर पे आने के बाद मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि मेरे हबी ने मुझे क्या दिया है एक गिफ्ट पे। और मम्मा का गिफ्ट मैं आपको दिखा दूँगी बाद में, पत्नी कहाँ है वो भी। मम्मा के पत्नी पे कहाँ रख दिया मैंने, और बाकी हबी ने जो दिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इन्होंने तो इतनी जल्दी चेंज भी कर दिया। रिंग लाइट दिया है मुझे मेरे हबी ने, थैंक यू सो मच। सो नाउ माय बर्थडे इज ओवर एंड वेरी एक्साइटेड फॉर माय नेक्स्ट ईयर बर्थडे टू। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, और भी बहुत सारे व्लॉग्स आते रहेंगे। आज का व्लॉग मैं ही एंड कर रही हूँ अपने बर्थडे वाला। आई होप आपको मेरा बर्थडे व्लॉग अच्छा लगा होगा। पहले आप ये देख लो कितनी बड़ी रिंग लाइट दी है, बिल्कुल बड़ी वाली रिंग लाइट। आई एम सो हैप्पी क्योंकि मुझे बहुत सारी वीडियोस बनानी होती है ना, तो फिर उस वजह से और फिर घर में भी कुछ भी हो रहा है तो लाइटिंग का मतलब लाइक बेस्ट है ये। आई जस्ट लव दिस। सो या गाइस, आज के लिए इतना ही और मिलती हूँ बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ। और ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहिए और दैट्स इट। बाय बाय गाइस, आई होप यू एंजॉय माय बर्थडे व्लॉग। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मम्मा ने बहुत ही प्यारा सा मुझे नेकलेस दिया है, वो नेकलेस मैंने अभी कहाँ रखा है मुझे पता नहीं है, मैं दिखा दूँगी आगे। अगर मुझे मैंने इस व्लॉग को शेयर करने से पहले पहन लिया, अगर इसे पहनने का चांस नहीं है तो पिक लगा दूँगी मैं।
फिर मैं ये भी पिक डाल देती हूँ कि ये वाला नेकलेस दिया मेरी मम्मा ने मुझे, अभी मैंने रख दिया अंदर तो मेरी हिम्मत नहीं हुई निकालने की। वो भी दिखाऊंगी आपको इन फ्यूचर वाले व्लॉग्स में। करवा चौथ का तो बहुत ही प्यारा सा मैंने लुक क्रिएट करने का सोचा है, फिंगर क्रॉस फॉर दैट। तो बहुत सारे व्लॉग्स आते रहेंगे, ऐसे प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर विशेज वंस अगेन, बाय बाय।